नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका। बाहुबली फेम साउथ के सुपरस्टार प्रभास आज 44 साल के हो गए हैं। इस मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने प्रभास को बर्थडे विश भी किया। होमले फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर यह पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, राजा के सेनापति सालार प्रभास को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सालार 22 दिसंबर 2023 को थिएटर्स में रिलीज होगी। बड़ी बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का क्लैश शाहरुख खान स्टारर डंकी से होगा। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की रिलीज डेट तो अभी सामने नहीं आई है, पर यह तय है कि फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। कई ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि इस क्लैश से सालार और डंकी दोनों फिल्मों को ही नुकसान होगा। सालार की अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 में हुई थी। शुरुआत में से 14 अप्रैल 2022 में रिलीज होना था, पर कोविड के चलते इसे नहीं किया गया। सालार को KGF फेम डायरेक्टर प्रशांत नील ने ही डायरेक्ट किया है, जहां KGF सीरीज की दोनों फिल्में सुपरहिट रही। ऐसे में सालार को लेकर फैंस की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं। फिल्म के टीजर को पहले ही पब्लिक का जबरदस्त रिस्पांस मिल चुका है। फिल्म में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज, सुकुमारन, श्रुति हसन, टीनू आनंद और जगपति बाबू जैसे एक्टर्स शामिल हैं। फिल्म का टीजर देखने के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सालार को प्रशांत नील अपनी दूसरी फिल्म KGF से लिंक करेंगे। इसके बाद ये फिल्म इस साल 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके लिए विदेशों में रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग तक तो हो गई थी, पर फिर अचानक मेकर्स ने अनाउंस किया कि फिल्म तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी। वजह यह थी कि इसे VFX पर काम होना भी बाकी था। अब फाइनली ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।